गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। यूपीएससी हर साल 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर के रूप में पूछती है। इन्हें कुछ महत्वपूर्ण स्रोत जैसे द हिंदू, मिंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा टीवी इत्यादि से पूछे जाते हैं। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों से हम आपके लिए करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, उसे आपके साथ डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा 18वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शहर ने जुलाई 2020 को अपनी स्थापना की 160वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया और उसे पूर्व के शासक यानी कि रूलर ऑफ द ईस्ट के रूप में जाना जाता है। आपके समक्ष दिए गए ऑप्शन में लंदन, बोस्निया और होर्जे गोविना, व्लादिवोस्तोक और इस्तांबुल है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर वन में विशेष रूप से मैपिंग, जो यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है, उससे जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें वो शहर जिसने अपनी स्थापना की 160वीं वर्षगांठ मनाया, तो ये व्लादिवोस्तोक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये वर्तमान में रसिया का बिल्कुल पूर्वी हिस्सा है, आप इसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये व्लादिवोस्तोक है। अभी कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ गए थे, यहाँ जो समिट आयोजित की गई थी वहाँ अपनी सहभागिता दर्ज कराई थी। इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पूर्व का शासक, पूर्व का नियम, पूर्व का भगवान, पूर्व का विस्तार। ये ऊपर रसिया है और ये रूस का बिल्कुल पूर्वी हिस्सा, आप इसे देख सकते हैं। मैपिंग में मैचिंग के रूप में ये आपसे पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। किसके बारे में? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर टू के महत्वपूर्ण सरकारी पहल से जोड़कर देख सकते हैं, उन योजनाओं के नामों से भी जोड़कर देख सकते हैं जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किए जाते हैं और उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। पहला कथन कहता है, कौशल प्रशिक्षण राष्ट्र कौशल योग्यता फ्रेमवर्क और उद्योग के नेतृत्व वाले मानकों के आधार पर किया जाएगा। दूसरा कथन कहता है, यह राष्ट्र कौशल विकास निगम द्वारा लागू किया जा रहा है। तीसरा कथन कहता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक योजना है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसे 2016 में शुरू किया गया था, उसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2016 से 2020 पाँच सालों की अवधि में 10 मिलियन भारतीय युवाओं को ऐसे कौशल उपलब्ध कराए जाएंगे जो उनके जीवन संचालन करने, उनकी आजीविका के एक स्रोत के रूप में कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत योग्यता के लिए प्रशिक्षण राष्ट्र कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को आधार बनाया जाएगा। कहने का ये मतलब है कि इस योग्यता फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो भी ऐसे युवा हैं जिन्होंने मैट्रिक पास की है, जिन्होंने स्कूल किसी कारणवश छोड़ दिया था, उन लोगों की पहचान की जाएगी, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी दक्षता के आधार पर उनको कौशल दिया जाएगा और उनको उनके रोजगार को खोजने में मदद की जाएगी। यानी कि पहला कथन बिल्कुल सही है। इसको क्रियान्वित यानी कि लागू कराने का कार्य राष्ट्र कौशल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। इस कार्यक्रम को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया था, इसलिए तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि साल 2020 इस कार्यक्रम का अंतिम समापन वक्त आ गया है, पूछा जा सकता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। एक अन्य बात जो आपको याद रखना है, हालांकि इस कार्यक्रम को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा प्रशासित, क्रियान्वित और लागू किया जा रहा है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार दोनों के अंतर्गत
कुछ ऐसी अलग अलग इकाइयां हैं जो कौशल प्रदान करने का कार्य करेंगी, वो दोनों ही सरकारों के द्वारा पहचान किया जाएगा कि लोगों को कौशल उपलब्ध कराने के लिए कौन कार्य करेगा। वो निजी संस्थान भी हो सकता है, IIT से संबंधित कुछ संस्थान भी हो सकते हैं, या फिर ITI से संबंधित कुछ संस्थान भी हो सकते हैं। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो संप्रभु राज्यों के बीच काउंसलर संबंधों के लिए एक रूपरेखा को परिभाषित करता है। आपके समक्ष दिए गए ऑप्शन में मराकेश संधि, वियना कन्वेंशन, सागर सम्मेलन का कानून यानी कि लॉ ऑफ सी कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन दिया गया है। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते से जोड़कर देख सकते हैं जो भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें काउंसलर संबंध का, तो ये एक ऐसा संबंध होता है जिसके अंतर्गत किसी दूसरे देश के नागरिक को किसी दूसरे देश में यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसको तुरंत संबंधित दूतावास को बताना पड़ता है। इसके बारे में समझौता सबसे पहले 1961 में किया गया था और उसी कन्वेंशन को वियना कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। इस क्वेश्चन के हिसाब से आप ये याद रखेंगे कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश को उसकी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए जो काउंसलर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया, उस संधि का नाम वियना कन्वेंशन यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जैसे मैंने आपको बताया, इसे सबसे पहले 1961 में हस्ताक्षरित किया गया था और इसी समझौते के आधार पर जो दूतावास होते हैं उन दूतावासों पर उस देश की पुलिस को घुसने की अनुमति नहीं दी जाती। जो राजदूत उस देश में रखे जाते हैं उन राजदूतों को गिरफ्तार करने की भी अनुमति इसी कन्वेंशन के आधार पर रोकी गई है। साथ ही यदि कोई देश, जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान, कोई भारतीय नागरिक को गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का समय, गिरफ्तारी का वजह जो भी हो, उन सारी चीजों को संबंधित दूतावास यानी कि भारतीय दूतावास को तत्काल बताना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है लेकिन उसे गिरफ्तार करने संबंधी कोई भी काम किया जा रहा है तो उसके बारे में भी तुरंत संबंधित दूतावास को बताना होगा। दूतावास का भी ये दायित्व है कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति पाकिस्तान जाता है और वो वहां पर कानून के हिसाब से जाता है लेकिन गैर कानूनी हिसाब से गलती से वहां रह गया है तो वो सबसे पहले जाकर दूतावास को बताएगा और दूतावास उस राज्य की सरकार को यानी कि उस संप्रभु देश की सरकार को बचाएगी। तो इससे संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं वो वियना कन्वेंशन के अंतर्गत किए गए हैं। अभी भारत और पाकिस्तान के मामले में फिर से ये विवाद उभर कर सामने आ रहा है, प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, फरजाद बी गैस फील्ड परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहां पर चार देशों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है फरजाद बी गैस फील्ड किस क्षेत्र में है। फ्रेंड्स, इसराइल, ईरान, अफगानिस्तान और लीबिया आपके दिए गए ऑप्शन हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें फरजाद बी गैस फील्ड का तो ये ईरान में फारस के खाड़ी के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपने अभी न्यूज में सुना होगा कि चाहबार से जाहेदान के बीच जो कि ईरान में है वहां पर भारत सरकार के द्वारा रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना था लेकिन ईरान ने अपना हाथ इस कार्यक्रम, इस समझौते से बाहर खींच लिया। भारत ने भी अपने तर्क दिए कि वहां पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण और ईरान की सरकार के निष्क्रियता के कारण इस परियोजना से हम बाहर आ गए हैं। लेकिन एक ऐसा ही समझौता जो धड़ल्ले पर चला गया है वो ONGC जो कि भारत की एक पेट्रोलियम कंपनी है, उसकी विदेशी शाखा OVL जो विदेशों में तेल खोजती है और उन तेलों को निकालने का कार्य करती है, इसके अंतर्गत भी समझौता किया गया था
फरजाद बी गैस फील्ड में, जो कि फारस की खाड़ी में यहाँ पर है, इसे आप देख सकते हैं। इसे भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी जो भारतीय कंपनी है वो अपना हाथ पीछे निकाल चुकी है, यानी कि इस परियोजना में अब भारत की हिस्सेदारी नहीं है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। कारण क्या है, आप सभी जानते हैं, अमेरिकी प्रतिबंध, हर देश इससे बचने की कोशिश करता है। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, किहोतो होलोहान केस या तो मामला किससे जुड़ा हुआ है? आपके समक्ष दिए गए ऑप्शन में 10वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के न्यायालय और संबंधित मामले से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें फ्रेंड्स किहोतो होलोहान केस का, तो इसका संबंध 10वीं अनुसूची के साथ है। आप 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान को जानते हैं, जो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। उसके अंतर्गत यदि कोई एक राजनीतिक दल का सदस्य, जो वर्तमान में विधानमंडल या फिर संसद का सदस्य है, वो जिस दल से चुनाव लड़ता है, उसके कुछ समय बाद वो यदि दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो उस पर 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल संबंधी कानून के हनन करने पर आरोप लगाया जाता है, उस पर कार्रवाई शुरू होती है। हालांकि दल बदल संबंधी किसी भी मामले पर सुनवाई करने का, निर्णय लेने का अंतिम अधिकार संबंधित सदन के अधिकारी को, पीठासीन अधिकारी को दिया गया है, लेकिन 1993 में किहोतो होलोहान नामक एक मामला आता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया जाता है कि ये मामला कि किसी भी दल बदल संबंधी प्रावधान पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को है, ये न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम करता है। इसलिए अब से, यानी कि 1993 के बाद से, जब कभी भी दल बदल संबंधी मामला आएगा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। तो आप याद रखेंगे कि हो तो होलोहान मामला जो था, उसके अंतर्गत दल बदल संबंधी प्रावधान में न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है। अभी आप जान रहे हैं कि राजस्थान में क्या मामला चल रहा है, उसके बाद जो संबंधित पक्ष हैं वो सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे, तो इससे जो भी मामला चल रहा है उसका आधार क्या है, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन में कुछ मिसलिनियस टॉपिक हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। जयगांव, पसाखा, व्यापार मार्ग। तो आप याद रखेंगे जयगांव जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल में है, और पसाखा जो है वो भूटान में है। इन दोनों देशों के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग निर्मित किया गया है, जो कच्चे औद्योगिक माल के आवाजाही में मदद करेगा और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्यिक स्थिति को और सुदृढ़ करने के क्षेत्र में कार्य करेगा। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। एक अन्य जो हमारा मिसलिनियस टॉपिक है वो एपीटी 29 है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एपीटी 29 न्यूज में था, ये क्या है? तो आप कहेंगे ये एक हैकर ग्रुप है, जिसे द ड्यूक या फिर कोजी बियर के नाम से भी जाना जाता है। ये हैकर ग्रुप मुख्य रूप से सरकारी, राजनयिक, थिंक टैंक, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा संस्थान इत्यादि पर हमला करता है। इनके द्वारा वेल मेल नामक एक मालवेयर का उपयोग किया जाता है। मालवेयर ऐसे वायरस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक संस्थान पर हमला करते हैं। अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इस पर आरोप लगा है कि ये जो कोरोना वायरस के प्रशिक्षण किए जा रहे हैं, उनके डाटा को चुराने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये न्यूज में था। तो आप याद रखेंगे एपीटी 29 एक हैकर ग्रुप है, जिसे दो अलग नामों से भी जाना जाता है, अब आप जान चुके हैं। अगला सेरो सर्विलांस है। सेरो सर्विलांस एक एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट होता है,
जो सामुदायिक स्तर पर संक्रमण की व्यापकता का पता लगाने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से साक्ष्य आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं का उपयोग करके, कहने का यह मतलब है कि किसी व्यक्ति में किस प्रकार के एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है और जो एंटीबॉडी निर्मित होती है उसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, वो उसकी उपलब्धता को पता करता है। ये अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में इस प्रकार के का परीक्षण किया गया था कि कितने स्तर पर लोगों को सामुदायिक संक्रमण हुआ है। तो उसके बाद में फिर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इससे संबंधित जो भी आंकड़े इकट्ठा हुए हैं उसको मांगा है, इसलिए ये न्यूज में था। तो आप याद रखेंगे सेरो सर्विलांस क्या होता है, तो ये एक प्रकार का एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है जो सामुदायिक स्तर पर किसी संक्रमण के विस्तार को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसी से संबंधित एक अन्य है, वो इओसिनोफिलिस नाम करके एक प्रकार का रक्त परीक्षण है, यह भी इसी चीज से संबंधित है जो कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है उसी से संबंधित है। इस प्रकार का जो रक्त परीक्षण किया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि किसी व्यक्ति में श्वेत रक्त की कोशिकाएं कितनी संख्या में अभी उपलब्ध हैं या फिर प्रेजेंट हैं उसका पता लगाने के लिए इओसिनोफिलिस नामक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ये जो इओसिनोफिलिस नामक जो एंटीबॉडी है वो हर व्यक्ति में निर्मित होता है जब किसी व्यक्ति को कोई भी एलर्जेटिक बीमारी, संक्रमण या फिर अन्य रोग हो जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे डिस्कशन का PDF नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।